तो डियर स्टूडेंट, अगर आप तैयार हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और जैसे कि आपको पता है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। कंफ्यूज नहीं होना आपको, मैंने टॉपिक का नाम लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, बट नेवरदलेस हम फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। उसमें ये हमारा सिक्स लेक्चर है। इससे पहले इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, सरफेस टेंशन को डिस्कस किया था ना। तो अगर सरफेस टेंशन आप नहीं जानते हो, कोहेसियन एडहेसिव फोर्सेस नहीं जानते हो, मतलब इन शॉर्ट अगर आप सरफेस टेंशन का फंडामेंटल नहीं जानते हो, तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टुडे लेक्चर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप प्रीवियस लेक्चर को विजिट करो, ठीक है। और जो भी चीज, जो भी इन सबका डिस्क्रिप्शन होता है, जो थियरी होती है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर देता हूँ, तो नो नीड टू राइट डाउन, आप वहाँ से भी राइट डाउन कर सकते हो। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आवर टुडे टॉपिक इज वर्क डन इन द ब्लोइंग अ सॉफ्ट बबल, ठीक है। कोई बबल अगर ब्लो कर रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, कोई बबल फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या करना, क्या करता है वो कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा, तभी तो बड़ा होगा, क्योंकि एक्सपेंशन होता है बबल का, मतलब शुरू जीरो से स्टार्ट हो, चाहे तो बबल कुछ रेडियस हो, उसके बाद बढ़े, तो वो क्या करता है, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट कुछ वर्क करता है। एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। दैट्स मीन यू कैन से a bubble pressure work against the surface tension that is stored in the potential energy, in the form of potential energy, and that potential energy is also called the surface energy of the bubble, ठीक है, उसे हम surface energy भी कहते हैं। तो चलिए find out करते हैं कि इसकी value क्या होती है different cases में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। आप जानते हो क्या वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू आई से डेल्टा x या डिस्प्लेसमेंट वॉट एवर दैट चेंज इन द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डेल्टा x यही होता है। अच्छा, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा बबल किसके अगेंस्ट में फोर्स करता है, किसके अगेंस्ट में वर्क करता है, सरफेस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट में ना। तो सरफेस टेंशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज द सरफेस टेंशन इन द केस ऑफ बबल, आप याद करो क्या होता है, टू सिग्मा एल इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। डजंट मैटर, ये एल की वैल्यू मैं वहां पे पाई डी लिखाऊंगा, क्योंकि बबल का क्या होता है, सर्कमफेरेंस की वैल्यू एल को लेते हैं हम, बट यहां पे अभी एल ही रहने देते हैं, ओ अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन चेंज, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको वी कैन राइट डाउन, दिस इज L इंटू डेल्टा एक्स, दैट्स मीन की चेंज इन द एरिया ऑफ द बबल। वेरी सिंपल ना, बबल कोई देखो, बबल फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, उसकी सरफेस एरिया बढ़ती है, उसकी पूरी सरफेस एरिया बढ़ती है, तो ये क्या है, नथिंग बट अ सरफेस एरिया ही है, किसकी, बबल की, ठीक है बबल की। अब हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट कि हमारे पास कोई बबल है, उसकी एरिया क्या है, R1 है, और फाइनल एरिया क्या हो गई है, R2 हो गई है, मतलब एरिया कहां से कहां गई है, R1 से R2 गई है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि किसी बबल की एरिया R1 से R2 जाने में उसको कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं इनिशियल एरिया क्या होगी हमारी, तो क्या हो जाएगी, इनिशियल एरिया इज इक्वल टू 4πR1 का स्क्वायर, वेरी सिंपल। और फाइनल एरिया क्या हो जाएगी, फाइनल एरिया इज इक्वल टू 4πR2 का स्क्वायर, 4πR2 का स्क्वायर। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो वर्क, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी इन द फर्स्ट केस, इन द सेकेंड केस, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कहूं कि W1, या फिर यू कैन से सरफेस एनर्जी यू कैन से, तो इनिशियल एनर्जी वी कैन राइट, तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू, व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी, दैट इज 2σ × 4πR1² एंड व्हाट इज द फाइनल एनर्जी माय डियर फ्रेंड, फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू 2σ × 4πR2², वेरी सिंपल ना, दीज आर दी टू इक्वेशन। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट दी सरफेस फोर्स, क्या होगा फाइनल एनर्जी, अच्छा जो वर्क होगा वही तो एनर्जी में स्टोर होगा माय डियर फ्रेंड। देखो इनिशियली हमारा बबल जीरो से स्टार्ट होकर आर वन तक गया होगा, तो कुछ वर्क किया होगा, ये वो वाला वर्क है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा जस्ट आगे, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन वर्क, जब वो आर वन से आर टू गया तो कितना वर्क किया, ठीक है।
मैं ये केस क्यों कर रहा हूँ, पहले आप क्यों नहीं ये कर दिया कि कोई बबल अगर ग्रो करता है शुरू से तो उसमें कितना एनर्जी, क्यों? क्योंकि इजिली हम आर वन आर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिफरेंट केस में हम एनर्जी फाइंड आउट कर पाएंगे, सरफेस एनर्जी या फिर वर्क डन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर आपको हो कि वो कितना वर्क किया है तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन द एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं डब्लू डब्लू इज इक्वल टू, ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 सिग्मा कॉमन हो जाएगा, 4 पाई भी कॉमन हो जाएगा, तो आर टू माइनस आर वन स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इधर से 8 पाई सिग्मा इन ब्रैकेट आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, वेरी सिंपल ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन व्हेन बबल इज ग्रोइंग फ्रॉम द रेडियस आर वन टू रेडियस आर टू, ठीक है। अब अगर सेकेंड केस, अगर मान लो ये फर्स्ट केस के लिए, अगर सेकेंड केस की हम बात करते हैं कि कोई बबल अगर स्टार्टिंग से ग्रो कर रहा है तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा रेडियस आर पहुंचने में, ठीक है। रेडियस आर कोई बबल है उसको आर रेडियस कवर करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो R2 is equal to क्या हो जाएगा, R, and R1 is equal to क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होके कोई रेडियस पकड़ रहा है, ठीक है। तो R2 is equal to R हमने ज़ूम कर लिया, R1 is equal to जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं W यहाँ पे फाइंड करूँ, मतलब कोई बबल को ग्रो होने में कितना वर्क करना पड़ता है उसको, तो दैट इज इक्वल टू 8 पाई सिग्मा, देखो R2 की वैल्यू R है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, यू कैन राइट कि कोई बबल अगर ग्रो कर रहा है तो उसको कितना एनर्जी, कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दी सरफेस, या फिर उसकी सरफेस एनर्जी क्या होगी, कितना पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर करेगा बाय डूइंग दी वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, वेरी सिंपल। ये हमारे पास एक केस है। नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं, थर्ड केस में देखो आप, हम कह देते हैं कि सपोज इसकी रेडियस क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। कोई बबल है उसको रेडियस डबल करने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि R1 is equal to R है और R2 is equal to 2R करने में, मतलब किसी बबल को डबल होने में, कभी कभी सिंपली इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई बबल डबल हुआ है तो कितना सरफेस एनर्जी स्टोर हुई है, या फिर उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, या फिर उसके कितना उसको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट करो, तो सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है ये वैल्यू आपको इसमें, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू, W इज इक्वल टू सिंपली R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R, R1 इज इक्वल टू R, R2 इज इक्वल टू 2R। तो हमको क्या मिलेगा, 8 पाई सिग्मा इन ब्रैकेट R2 इज इक्वल टू 2R का स्क्वायर, दैट्स मीन कि ये कितना हो जाएगा भाई, 4R स्क्वायर माइनस R1 इज इक्वल टू R, तो R स्क्वायर, यू कैन गेट 24 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, कितना वर्क करना पड़ेगा किसी बबल को डबल होने में। समटाइम दे आस्क द रेशियो ऑल्सो कि आप बताओ वर्क डन का रेशियो बताओ या फिर एनर्जी का रेशियो बताओ, अगर बबल की रेडियस ये से ये चेंज हुई है, तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जब वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे। चलिए एक 2 सेकेंड का पोज लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आप देख सकते हो, वर्क डन इन द स्प्लिटिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इनटू एन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बबल तो स्प्लिट होगा नहीं 8 बबल में, या बबल स्प्लिट हो सकता है क्या, बबल तो ब्रेक होगा ना मेरे भाई, स्प्लिट कौन हो सकता है, ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट और बबल में डिफरेंस आपको मैंने बताया था, ड्रॉपलेट में इनसाइड सरफेस टेंशन नहीं होगा, मगर बबल में दोनों साइड सरफेस टेंशन होता है, बिकॉज इनसाइड भी एयर होती है, मतलब एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है, और आउटसाइड भी एयर होती है, मतलब वाटर और एयर के मॉलिक्यूल कॉन्टेक्ट में होते हैं, और इनसाइड भी वाटर और एयर के मॉलिक्यूल कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो इसलिए दोनों साइड से सरफेस टेंशन एक्ट होता है। बट इन द केस ऑफ ड्रॉपलेट केवल आउटर साइड पर सरफेस टेंशन होगा। तो आपको याद रखना है कि इसमें ड्रॉपलेट में या फिर आप बबल में, दोनों के केस में सरफेस टेंशन फोर्स कितना होता है, तो हमको वही फॉर्मूला लगाना है, W इज इक्वल टू, वी नो दैट क्या होता है भाई, F इंटू डेल्टा X, ठीक है, F इंटू डेल्टा X। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F इन द केस ऑफ ड्रॉपलेट, क्या होती है वैल्यू ड्रॉपलेट के केस में, सिंपल होती है डेल्टा L, यहां पे 2 था किस केस में,
बबल के केस में, बिकॉज दोनों साइड से सरफेस टेंशन था, यहाँ पे ये है और दिस इज द एक्स डेल्टा एक्स, तो वी से दैट सिग्मा डेल्टा ए इज द वर्क डन इन केस ऑफ द ड्रॉपलेट, ठीक है, ये दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब हमको आगे क्या करना है, यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर देते हैं, कोई बात नहीं, इससे आगे मूव नहीं करेंगे। तो क्या करना है हमको भाई, नेक्स्ट में हमें करना है कि जब वो ड्रॉपलेट ब्रेक होगा तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज होने वाला है, क्या चेंज होने वाला है, क्योंकि टोटल वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके एक्सपेंशन पे ना, उसके एक्सपेंशन पे, क्योंकि वो लार्ज हो, इनलार्ज होगा या श्रिंक होगा, दोनों में सरफेस एरिया चेंज होगी, ठीक है। तो क्या हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल, हमको पहले देख लेते हैं कि इनिशियल एरिया क्या थी, इनिशियल इनिशियल एरिया क्या थी हमारे ड्रॉपलेट की, क्या थी भाई, 4πr², ठीक है, दिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हो, डेट इज नॉट अ मैटर, ठीक है। अब फाइनल एरिया क्या होगी माय डियर फ्रेंड, फाइनल एरिया इज इक्वल टू 4πnr², देखो ऐसे कर लेते हैं, 4πr² तो होगी एक बबल की, कितना ब्रेक हो रहा है, कितने नंबर ऑफ बबल से, नंबर ऑफ बबल इज n, तो टोटल एरिया मिला के कितना हो जाएगी, n 4πr², ठीक है, दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल एरिया, ठीक है। तो वी कैन सब्स्टिट्यूट दैट, तो हमें मिल जाएगा w इज इक्वल टू सिग्मा, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, फाइनल इज दिस, इनिशियल इज दिस, तो ओके 4πnr², फाइनल माइनस इनिशियल ही करेंगे ना भाई, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, दैट इज द चेंज, 4πवी कैन कॉमन, तो 4πसिग्मा एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वेरी सिंपल ना, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हमको करना क्या भाई, देखो यही जो बबल है बड़ा वाला, सॉरी नॉट अ बबल, दिस इज अ ड्रॉपलेट ना, तो क्या है हमारे पास जो ड्रॉपलेट है जिसकी रेडियस आर है, दैट ड्रॉपलेट इज ब्रेक डाउन इन दी एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है, तो इनका वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, देयर इज नो चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉपलेट, तो वी कैन से दैट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट क्या है, 4π3πr³ इज इक्वल टू 4π r³ और n का इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि n है तो इधर से 4π3π इज कैंसिल आउट, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू वी गेट, दिस इज द वेरी सिंपल, r³ इज इक्वल टू r³ n, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड माय डियर फ्रेंड, यू हैव अ रिलेशन बिटवीन r³ एंड स्मॉल r, ठीक है, मतलब कैपिटल r एंड स्मॉल आर, तो सिंपली यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द एनी टर्म्स, ठीक है। सपोज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू कैपिटल आर को या फिर स्मॉल आर को हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर दिया हुआ है, फिर दोनों को रिप्लेस करके यू कैन सी दैट, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम सपोज करो इसको रिप्लेस करते हैं, किसको, स्मॉल आर को, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो ये तो एन इधर जाएगा, या फिर सिंपली अगर इसको हम रिमूव करें तीनों को, तो ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा n टू द पावर 1/3 और दिस इज r, वेरी सिंपल, 1/3 से सब साइड डिवाइड किया, अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू यू गेट r n टू द पावर माइनस 1/3, दिस इज सिंपली सब्स्टिट्यूटेड इन द इक्वेशन नंबर टू, तो हमें मिलेगा w इक्वल टू 4π सिग्मा, व्हाट इज द वैल्यू, एन आर ना, आर की वैल्यू हमें कैपिटल आर में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो क्या हो जाएगी, एन टू द पावर 1/2, दिस इज द आर यू कैन से स्क्वायर मल्टीप्लाई आर माइनस आर का स्क्वायर, वेरी सिंपल, जस्ट मैंने क्या किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक है, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो आप एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। आर स्क्वायर हो जाएगा, देखो तो ये 2/3 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, n टू द पावर 1/3, तो n टू द पावर 1/3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माई डियर फ्रेंड हियर वी गेट द फाइनल वैल्यू, यू कैन से दैट जस्ट कॉमन टू आर, तो क्या हो जाएगा 4πr सिग्मा इन ब्रैकेट n टू द पावर 1/3 माइनस 1, तो दिस इज द वैल्यू यू कैन गेट when droplet of radius r is break down into the identical droplets
या फिर यू कैन से सिमिलर ड्रॉपलेट विथ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, वेरी सिंपल डेरिवेशन इज दिस। या फिर आप कैपिटल आर को भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं, यू कैन सब्सिट्यूट कैपिटल आर। अगर आपको ऐसे सब्सिट्यूट करना है तो आर इज इक्वल टू, यू कैन से दैट व्हाट इज दिस, आर इज इक्वल टू आर एन टू द पावर 1/3, वेरी सिंपल ना। तो कैपिटल आर को आप इस फॉर्म में भी सब्सिट्यूट कर सकते हो और गेट दी अनदर रिलेशन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, दोबारा मुझे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सब्सिट्यूट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड यू कैन गेट अनदर रिजल्ट, ठीक है। वो किसके टर्म में होगा, वो स्मॉल आर के टर्म में होगा, अगर स्मॉल आर दिया हुआ है तो, मतलब बहुत ही सिंपल है, उम्मीद करता हूँ इतना तो आप जानते ही होंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो ऑल द बेस्ट।